नमस्कार एनबीसीएन के दर्शकों का आज इस खास पेशकश प्राइम टाइम में हम फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं। हालांकि हम काफी दिनों के बाद आज प्राइम टाइम लेकर आए, लेकिन इस कोरोना के पार्श्व पर यह औचित्य बनता है कि आज से हम इस कार्यक्रम के फिर से एक दर्शकों के सामने इसकी पेशकश करें। जी हाँ, प्राइम टाइम में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। उसमें स्वागत करता हूँ मेरे कंपेनियन इमरान जी का। इमरान जी, आपका स्वागत है। इमरान जी हमारे चीफ मुख्य संपादक हैं। कोरोना के पार्श्वभूमि पर जो अब तक का दौर रहा है और आने वाला दौर कैसा रहेगा, इस पर आज हम इस प्राइम टाइम में बात करेंगे। काफी कुछ घट गया है इमरान इन दिनों। जी हाँ बिल्कुल, अगर कोरोना की बात करें तो जिस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा था, दुगनी तिगनी चौगनी स्पीड से कोरोना बढ़ चुका है। और दुनिया की बात करें तो दुनिया में हम तीसरे पायदान में खड़े हैं। कहाँ, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो हम लोग 44-45 नंबर पर थे। जी हाँ, और बहुत कम समय में जो है हम लोगों ने बहुत ऊंची उड़ान भर ली है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है कहते हुए, लेकिन हम अब तीसरे नंबर पर है। और जिस तरह से आंकड़े, जिस तादाद में दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम बहुत जल्द नंबर वन पर भी जा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, नंबर वन जाने की तो बात है। मैं आपको देश के साथ विदेश की भी बात बता दूँ। अमेरिका में एक रिकॉर्ड ब्रेक बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में 60,000 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वही दूसरे नंबर में जो ब्राज़ील है, उसने 48,000 24 घंटे में पॉजिटिव आए गए। वही इंडिया की बात करें तो 22,000 पॉजिटिव पाए गए। हाँ, टेस्टिंग का प्रमाण अमेरिका में इंडिया से ज़्यादा है, ब्राज़ील में भी ज़्यादा है, और भारत को भी कहीं ना कहीं लोक संख्या को देखते हुए चिंता करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं टेस्टिंग की पैरामीटर्स को भी, हालांकि नागपुर की अगर हम बात करें या कई जगह की बात करें, तो रैपिड टेस्टिंग किट्स मुहैया कराई गई, जिससे टेस्टिंग के पैरामीटर्स बढ़ गए। और यही एक कारण है कि कहीं ना कहीं आंकड़े जो है दिन ब दिन जो उजागर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रैपिड टेस्टिंग की वजह से ही जो है ज़्यादा तादाद में मरीज पाए गए। हालांकि एक बात राहत की ये भी है कि बहुत ज़्यादा मरीज जो है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, वो ठीक होकर अपने घर में जा चुके हैं, मतलब उन्हें ठीक घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव की रेट जिस तरह से स्पीड बढ़ रही थी, मगर एक मृतक का आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं वो कम होता नजर आ रहा है। और कोरोना से ठीक होने वाली की संख्या भी 50% से भी ज्यादा हो गई है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। भारत के, जैसा कि आप कह रहे थे इमरान, भारत के लिए ये भी एक राहत की बात है कि मॉर्टेलिटी रेट जो है, हालांकि आंकड़े इसमें जो भारत है कोरोना के मरीजों के वो भले ही आगे हो, लेकिन मॉर्टेलिटी रेट जो है भारत का अभी भी उस तादाद में नहीं बढ़ा है, तो ये एक राहत की बात है। इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर की आप अगर बात करें, भारतीय वातावरण की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं हम अभी भी कोरोना को टक्कर दे रहे हैं, और आगे आने वाली स्थिति में भी हम लोगों को कोरोना के साथ में काफ़ी टक्कर देनी पड़ेगी। इसमें जो आवश्यकता है वो है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, बिल्कुल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो सरकारी गाइडलाइंस है, प्रशासन के द्वारा निर्धारित किए गए नियम है, उन नियमों का अगर हम पाले या उसका हम पालन करें, हमारे जीवन का उसको अभिन्न अंग बना ले, तो कहीं ना कहीं हम कोरोना की रोकथाम भी कर सकते हैं। जी हाँ, और नागपुर की अगर बात की जाए तो नागपुर में हम 2000 तक पहुंच चुके हैं। ये कितना डेंजरस हो सकता है, जिस तरह से रोज 50-60 पॉजिटिव पेशेंट पाए जा रहे हैं, उसी साथ मौत का आंकड़ा भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। जी हाँ, ये एक चिंताजनक बात है कि अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि नागपुर में पूरे 24 घंटे में 3 मौतें हो गई थी। जी, हालांकि वो जो तीनों मौतें हुई थी वो कोमॉर्बिड पेशेंट्स थे, उन्हें ऑलरेडी कुछ बीमारियां जरूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना ग्रस्त होने के बाद अगर ऐसे आंकड़े बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक गंभीर प्रश्न या गंभीर वातावरण जो है समाज मन में तैयार होता है, और फिर वो एक डरने लगते हैं हम कोरोना से। हालांकि ये जरूरी भी है कि कोरोना एक ऐसी महामारी के रूप में उभर कर आया है कि जिससे एक वर्ग जो है, हम बच्चों की बात करें या बूढ़ों की बात करें, तो उनके ऊपर में इसका असर जो है डायरेक्ट पड़ता है, और उनकी सेहत की देखभाल करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से गवर्नमेंट के बोलो या फिर महानगर पालिका की गाइडलाइन आ रही है, ऑड इवन कुछ रेड जोन जो घोषित किए गए थे, उनके लिए नई गाइडलाइन लाई गई थी कि रेड जोन में जो कंटेनमेंट जोन बने हैं वहाँ बिल्कुल ही लॉकडाउन जैसे के वैसे रहेगा, और कंटेनमेंट जोन के बाहर ऑड इवन तरीके से जो कारोबारी है वो कारोबार कर पाएंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर जगह करना पड़ेगा। जिस तरह से थोड़ी थोड़ी शिथिलता दी जा रही है, उसमें कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले होटल्स को 30%
छूट दी गई है, 30% हाँ लोगों उसमें वो होटल शुरू कर सकते हैं। और कुछ जो चीज़ें हैं वो अभी भी बंद है, जिस तरह से रेस्टोरेंट्स की बात की जाए, टपरिया बात की जाए, क्या लगता है इसमें कब छूट देनी चाहिए? देखिए जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर हम चाय टपरियों की अगर बात करते हैं तो चाय की टपरियों के ऊपर में सोशल डिस्टेंसिंग कहे या फिजिकल डिस्टेंसिंग जी के ऊपर में कितनी डिसिप्लिन हम रख सकते हैं, इसका कोई पैरामीटर होगा नहीं। तो अब तक तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा एक्सटेंड करने की ज़रूरत जी है। होटल इंडस्ट्री की अगर बात करें, जहाँ पे होटल और लॉजिंग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जहाँ पर एक ट्रैवल मूवमेंट ही नहीं है, तो जी ट्रैवल मूवमेंट नहीं होने से इन होटल व्यवसायियों को कितना इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा, ये तो एक अलग कहानी बनती है। रेस्टोरेंट की हम बात करें, उपहार गृह की बात करें, जहाँ हम फैमिली को साथ में लेके जा सकते हैं, जहाँ पर हम बैठकर खाना वगैरह खा सकते हैं, तो ये इस पर भी अभी तक कोई भाष्य सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से नहीं किया गया है। तो ये और जाते हुए तो वहाँ की नियमावली इतनी कड़क होगी, तो वो हम एक होटल में जाने के पीछे जो हमारा मकसद होता है, तो जी वो मकसद पता नहीं कितने पैरामीटर पर वो सक्सेस हो पाएगा। जी हाँ। और अब हम आते हैं नागपुर की ओर। जी हाँ, आपको हमेशा से ये रहता होगा कि नागपुर में क्या हो रहा है। जी हाँ, जी हम बीसी न्यूज़ के माध्यम से हमेशा आपको नागपुर की खबरें देते हैं। बस एक दो इशू जो है नागपुर में और पूरे भारत में, और कुछ इशू महाराष्ट्र में चल रहे हैं। जी एक तो है बिजली बिल और दूसरा है पेट्रोल के भाव। अभी भी लोग काफी असमंजस में हैं। आप इलेक्ट्रिक बिजली बिल की अगर बात करें, तो कई लोगों ने मजबूर होकर या अपने घर की बिजली ना कटे इसको लेकर बिजली के बिल भर दिए हैं। कई लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बिजली का बिल हमारा जो है माफ होना चाहिए, उसमें कुछ सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो ये जो है एक इसके ऊपर से काफी राजनीति भी हुई है। जी दूसरा मुद्दा अगर हम कहें पेट्रोल और डीजल का है, पेट्रोल और डीजल के लिए भी राज्य सरकार और मतलब जो हम अगर एक बॉल की तरह अगर इसको देखें, जी तो पेट्रोल और डीजल के भाव में जो बढ़ोतरी, वो जो बॉल है वो केंद्र सरकार के कोर्ट में जा रहा है, और बिजली बिल की जो बॉल है वो राज्य सरकार के इसमें जा रहा है। लेकिन इन दोनों के बावजूद जो है, ये दोनों मसले के लिए आम जनता काफी हलाकान नजर आ रही है, कि बिजली का बिल भरना आम जनता को है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भरती है, उसके मार भी सीधी आम जनता पर भी पड़ती है। आम जनता पर इस मार तो पड़ी रही, लेकिन आम जनता के सामने एक रोजगार का भी प्रश्न बड़ा बिकट है इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल। पूरे देश में जिस तरह से बताया जा रहा था कि 13 करोड़ के भी ऊपर नौकरियां गई हैं, जी उसके बावजूद जब लॉकडाउन था तो 2-3 महीने जो व्यक्ति खाली था, रोजगार की कमी हुई है, उसके बाद बिजली बिल और उसके बाद पेट्रोल और डीजल की जो मार पड़ रही है, उससे लोग बहुत परेशान हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए नागपुर शहर में, तो बिजली बिल के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन पूरे आक्रामक हो चुके हैं, जी है ना। ऊर्जा मंत्री के घर के बाहर धरने प्रदर्शन, नारे निदर्शन जी देखे गए, और दूसरी तरफ वही कांग्रेस ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके घर का युवा कांग्रेस ने मोर्चा मोर्चा लेके गए थे वहां लेके पर, गए थे। उनके घर के बिल्कुल सामने हाँ आंदोलन किया काफी था। और उस वक्त हमने ये भी देखा कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल काफी धज्जियां उड़ रही थी। धज्जियां भी उड़ रही जहाँ थी। एक तरफ हम कोरोना से बचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं, और उसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टियां, जैसे जो चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या बाकी अदर्स पार्टियां हो, वो कहीं ना कहीं ऐसे मोर्चे करके सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जरूर उड़ा रही है। कहीं ना कहीं मैं यह समझता हूँ इमरान, कि जहाँ हम बिल्कुल कोरोना की लड़ाई एक और लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स या राजकारण को यहाँ पर इंडल्ज करते, इंक्लूड करते हुए जो परिस्थितियाँ बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही, वो सचमुच निंदनीय है। ये वक्त ऐसा है कि यहाँ पर कुछ जनता की भावनाओं को समझकर जनता के फेवर में कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता है। कुछ बातें ऐसी की जा सकती है, कुछ निर्णय ऐसे हो सकते हैं प्रशासनिक तौर पे कहिए या सरकारी तौर पे, चाहे वो फिर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार जी हो, हाँ कुछ निर्णय ऐसे लेने चाहिए जो सीधे एंड यूजर तक पहुंचे, मतलब आम नागरिक उसका लाभ ले सके, और एक अच्छे ऐसे दौर में भी एक अच्छे जीवन यापन का वो एक अच्छा एक अपना भविष्य देख सके। जी हाँ बिल्कुल हाँ। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह के जो नारे निदर्शन है, मोर्चे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका सलूशन जरूर होना चाहिए ताकि आने वाला जीवन ठीक जाए। और दूसरी तरफ अगर बात कहिए तो शिक्षा, जैसे अक्सर देखा करते हैं कि आपकी जुलाई में स्कूलें शुरू होती जी है ना, एडमिशन शुरू होते हैं, ट्यूशन क्लासेस रहते हैं, स्कूलों में टीचर बनते हैं, उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए यूनिफॉर्म या किताबों का बिजनेस हो या फिर बैग्स का हो या कपड़ों का पूरे हो, एक स्कूल जब एक शुरू जी होती हाँ है तो आप देखिए कि सारे बाजार जो है गर्म हो जाते हैं।
बच्चों के साथ में उनके अभिभावक गण जो है पूरे बाजारों में चले जाते हैं, फिर उनके से उनको रेनकोट लेने हैं, उनको यूनिफॉर्म्स लेने हैं, उनको बुक्स लेनी है, उनको जूते चप्पल भी लेने हैं, बच्चों को एक स्कूल जाने के लिए जो उसकी तैयारियां करनी है उन सब तैयारी से जुड़े हर चीज़ें उनको खरीदनी है। लेकिन इस वक्त वो जो संभावना है काफ़ी डिले हो गए और एजुकेशन से जुड़े हुए कुछ निर्णय और भी पेंडिंग पड़े। एक चीज़ और असमंजस में है कि जो फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं होने वाले थे फिर से उस पर अटकलें लगाई जा रही है कि बिल्कुल या तो होंगे या तो नहीं होंगे। राज्य सरकार जहां पर एडामेंट है, राज्य सरकार ने अभी भी केंद्र सरकार को बताया है कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो पक्ष में नहीं है कि फाइनल ईयर के एग्जाम हो। बिल्कुल हाँ, इसके लिए तो बिल्कुल याचिका भी, एक पत्र भी लिखा है जी राज्य सरकार ने। तो चलो ये निर्णय तो आते रहेगा। उसके साथ हम नागपुर में होने वाले क्राइम की बात करें। जी हाँ, शिवसेना के एक जो मंगेश कड़ो जो मंगेश है, कड़ो जो हाँ है कल पुलिस हिरासत में गए थे, उसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उनको आगे के लिए जी 17 जुलाई तक जो है मंगेश कड़ौ जो है शिवसेना से जुड़े हुए जो एक नागपुर के अधिकारी थे शिवसेना में, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी फिल्मी स्टाइल से क्राइम ब्रांच ने कल उन्हें धर दबोचा। उसके बाद में आज जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उन्हें 17 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया। उनका पीसीआर दिया गया है 17 जुलाई तक। जी हाँ, जिस तरह से एक तरफ से लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे जीवनचर्या बढ़ रही है और क्राइम भी कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में लॉकडाउन खुलने के बाद हमने कई मर्डर्स होते हुए एक देखे। सीरीज ही बन गई जी हाँ थी नागपुर में कि हर आए दिन, एक दिन में दो या एक दिन के उपरांत मर्डर, और इसमें युवा वर्ग का जो सहभाग जो दिखा वो काफी चिंताजनक बात हो सकती है। नागपुर को दुनिया पूरे भारतवर्ष में एक सुरक्षित शहर की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन अगर क्राइम रेट इस तरह से अगर बढ़ता गया, आए दिनों अगर खून खराबे होते रहे, तो पता नहीं कि ये नागपुर की तस्वीर आने वाले समय में किस तरफ ये तस्वीर का रुख होगा। जी हाँ, अब क्राइम की बात होगी तो जेल की बात करना भी बनता है। जी हाँ, जिस तरह से सेंट्रल जेल में क्राइम कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 150 के आंकड़े के आसपास कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई जी है। अब तक के जो आंकड़े हमारे साथ में, लगभग 150 के आंकड़ा ये है। इसमें कैदी भी शामिल है, पुलिस कारागृह प्रशासन के लोग भी इसमें शामिल हैं। जी हाँ, और कोरोना पॉजिटिव के अगर काटोल की बात करें तो काटोल के लिए थोड़ा एक चिंताजनक बात है। जी कल 10 पॉजिटिव काटोल में पाए गए थे। कहीं ना कहीं काटोल में, ग्रामीण में भी कोरोना पैर पसार रहा है। देखिए, अब इमरान, जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो हमने ग्रामीण भागों का भी दौरा किया था। एक बात कई मायनों में एक अच्छी मिली थी कि उत्स्फूर्त रूप से गांव के वॉलेंटियर लोगों ने, जो इवन गांव में भी अगर किसी को जाना है, मैं उस गांव का नागरिक हूँ और मैं आज नागपुर में रह रहा हूँ, तो उन्होंने हमें भी गांव के अंदर में नहीं जाने दिया। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप नागपुर में बिल्कुल हैं और नागपुर अगर रेड जोन में, तो हम आपको गांव में आने की अनुमति नहीं देंगे, भले आपके पास में परमिशन। तो एक उत्स्फूर्त रूप से जो है गांव वालों ने अपनी सीमाओं को सील करके रखा था, ठीक लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए तो इस सील को उन्हें तोड़ना पड़ा, बिल्कुल उन्हें इस पाबंदियों को हटाना पड़ा। और पाबंदी हटने के बाद में अगर आप देखोगे तो अभी कई गांव खेड़ों में, नागपुर की हम अप कंट्रीज की बात करें, तो वहां पर कोरोना का जो संक्रमण है जो आपको दिखा सकता है। जैसे आपने काटोल की बात की, जी रामटेक की हम बात करेंगे, उसे जो उमरेड या इधर जो बाकी की जगह है वहां पर कोरोना के संक्रमण बढ़ने का खतरा अब बना हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति जैसे शुरुआत में थी अब वैसी स्थिति नहीं है। हम लॉकडाउन में भी हैं और अनलॉक में भी है, तो ऐसी स्थिति में पाबंदियां बड़ी शिथिल है। उसी पाबंदियों की अगर हम बात करें तो अब तक जो था 9 बजे से 5 बजे तक सारे व्यापारीकरण को छूट दी जा चुकी थी, बिल्कुल, अब उसको 7 बजे तक एक्सटेंड किया गया है। क्या लगता है ये जिस तरह से छूट दी गई, उसका छूट का पालन नागपुर शहर में हो रहा है सर? बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप और हम खुद रोज हम न्यूज के चक्कर में जब इधर उधर देखते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है कि कहीं भी इस तरह का पालन सभी जगह पे वो शिद्दत से नहीं हो रहा है जिस शिद्दत से होना चाहिए सारी जगह पे। और पुलिस प्रशासन की हम बात करेंगे तो हम उनको भी क्या दोष दें, पुलिस बिल्कुल प्रशासन में ही कई कोरोना का संक्रमण देखा गया है, तो कहीं ना कहीं मैन पावर का भी इशू उनके ऊपर लोड है, 24 घंटे काम करना है और आपराधिक मामले भी बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारियों को पुलिस प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर में ना छोड़ते हुए कुछ नागरिकों की भी जिम्मेदारियां जरूर बनती हैं। जी हाँ बिल्कुल। और एक तरफ से सर अगर देखा जाए कि अब बीच में कई फोन आए थे मुझे, जैसे सीताबर्डी जी मार्केट हो या जी महल से हो, जी वहाँ जो डेली रूटीन वाले जो ठेले वाले
जो हॉकर्स जो हैं जी उनके तरफ से फोन आ रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमें ऑड इवन नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे लिए तो भी ऑड इवन नहीं देना चाहिए, हमें पूरी तरह से छूट देनी चाहिए, क्योंकि 2 से 3 महीने हमने बेरोजगारी में गुजारा जी है। जी और दूसरी तरफ हमने जब व्यापारियों से भी बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम कोरोना से बचने के लिए हम सबको मतलब बाहर थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं, सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं करना चाहिए, जी ठेले में क्यों नहीं करना चाहिए? अगर अगर कोई कोरोना पॉजिटिव अगर ठेले में पाया जाता है, फिर वही कस्टमर अगर शॉप में आता है, तो कहीं ना कहीं इसको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, प्रशासन की इसके पीछे की भूमिका जो है, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर मान लीजिए आप एक इमेजिन कर लेते हैं हम कि एक गुपचुप का ठेला है, गुपचुप के ठेले के ऊपर में उस तरह का कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं होगा जो कि एक शॉप में पॉसिबल है। हालांकि ये बात भी अपने जगह पे सही है, क्योंकि हर एक इंसान को, हर एक व्यवसायी को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो गुपचुप वाला हो, चाहे उसका किसी रास्ते पे कोई ठेला हो, चाहे वो चाय की टपरी वाला हो, उसे भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, और उसका ये डिमांड उसकी सही है। लेकिन उसका प्रैक्टिकल फेस जो है, प्रशासन क्या देखता है कि प्रैक्टिकल फेस मतलब वहाँ पर कितना इसका प्रादुर्भाव हो सकता है, संक्रमण कितना फैल सकता है, इन सारी चीज़ों को देखकर ये सारे प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं। अपनी ज़रूरतें अपनी जगह पे है, उनकी छोटे छोटे व्यवसायों की ज़रूरतें अपनी जगह है, और कोरोना का प्रादुर्भाव अपनी जगह पे। हाँ, कुछ इस पर उपाय योजना जरूर कर लेनी चाहिए, कुछ ना जी कुछ गाइडलाइंस उनको देनी चाहिए कि अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि जैसे अगर कोई मॉल के, कोई हम बड़े शॉप की बात करें, वहां पर अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं पाया जाता तो वहां पर उनको फाइन ठोका जाता है महानगर पालिका की तरफ से। तो ऐसे कुछ प्रावधान आप टपरी वालों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उनका व्यवसाय शुरू करने की उनको इजाजत कुछ हद तक तो दे देनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल दे देनी चाहिए, क्योंकि रोजगार सब में पड़ा है। अगर रोजगार अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा सबको, तो कहीं ना कहीं क्राइम की गतिविधियां नागपुर में बढ़ती जाएंगी। ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है इमरान। देखिए, जब आदमी के पास में रोजगार नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसको अपना परिवार चलाने के लिए, कहीं ना कहीं उसको अपनी उपजीविका चलाने के लिए किसी ना किसी साधन का उपयोग तो करना पड़ेगा। क्योंकि एक समय था जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, तो प्रशासन की ओर से कई एनजीओ ऐसे थे जिनकी ओर से उनकी कुछ बेसिक ज़रूरतों को, खान पान की ज़रूरतों को जरूर पूरा किया जाता था। लेकिन आज स्थिति कुछ ऐसी नहीं है। आज कई एनजीओज कहे या कई जो सामाजिक संस्थाएं थी जिन्होंने लोगों को अपने हाथ आगे किए थे, अब कहीं ना कहीं उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि सबकी अपने अपने एक लिमिटेशन है, दोष उनका भी नहीं है। लेकिन एक उपजीविका करना, अपना घर चलाना, ये सबकी जिम्मेदारी है, और सरकार ने भी इस ओर बेसिकली ध्यान देना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल ये तो सही बात रही। मैं सेंट्रल जेल से एक खबर आ रही है, सेंट्रल जेल में 100 पॉजिटिव पाए गए आज। रैपिड आज टेस्ट के माध्यम से कुछ टेस्टिंग हुई तो जी 100 पॉजिटिव वहां से पाए गए। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। देखिए, सेंट्रल जेल अपने आप में एक अब कोरोना का हब बन चुका है, जी हाँ तो ये काफी चिंताजनक है। और आज कुछ कैदियों ने सेंट्रल जेल में उनको रिहा करने की भी मांग की थी। उनका ये कहना था कि हमको कोरोना ग्रस्त नहीं होना है और हमारे सुरक्षा के दृष्टि से हमें यहाँ से बाहर जाने की अनुमति देनी चाहिए। जी हाँ, इसके पहले भी आपको बता दें कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 17,500 कैदियों को रिहा किया पैरोल गया पर था, रिहा किया था। पैरोल पर रिहा किया गया था कोरोना के पार्श्वभूमि पे, तो नागपुर से भी कई लोगों को रिहा किया रिहा गया था उस। किया, लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा गया कि कई आपराधिक मामले जो घटित हुए, इनमें सेंट्रल जेल से छूटे हुए कुछ कैदियों का उसमें सहभाग देखा गया। जी तो ये भी एक चिंता की बात है कि अगर इन कैदियों को अगर शहर के भीतर छोड़ा जाए तो इसके परिणाम सामाजिक सुरक्षितता की दृष्टि से क्या होंगे, ये अलग समीक्षा का विषय हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल। और उसी तरह से जिस तरह से अगर विदर्भ की बात करें, तो विदर्भ में भी अलग अलग जिलों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। अगर मैं चंद्रपुर की बात करूँ, तो एक ज़माने में एक चंद्रपुर में कई दिन तक एक भी पॉजिटिव नहीं शुरुआत ही था। नहीं थी जी हाँ और चंद्रपुर काफी दिनों तक जो है ग्रीन जोन में बना हुआ था। बिल्कुल। मगर आज वहाँ 148 पॉजिटिव पाए गए हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता की चिंता बात की है। बात और है। अगर ये बढ़ अमरावती में गया भी जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ रही है, वो भी एक देखने वाली बात होगी। 700 के करीब अमरावती का ये आंकड़ा अपने आप में पहुंच बहुत गया है। बड़ा आंकड़ा है अमरावती जैसे शहर के जी हाँ। लिए। और दूसरी तरफ अकोला की अगर बात करें, अकोला भी नागपुर के पीछे पीछे आ रहा है। अकोला में भी 1800 के करीब आंकड़ा बढ़ गया है, 1800 से ऊपर आंकड़ा हो चुका है, 1900 के करीब पहुंच रहे हैं, वो भी 2000 का पीछा कर रहे हैं।
देखिए, अमरावती, अकोला और नागपुर, अकोला तो पहले से नागपुर से आगे था, आगे था, अभी थोड़ा पीछे अब हो चुका जाके है। थोड़ा सा पीछे, लेकिन ये इस तरह से बढ़ते हुए आंकड़े जो है कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं पूरे देश में, महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, और एक दूसरी बात अगर आप देखें तो अभी जो सीजन आया है, जी आप धूपकाले में देखते थे कि धूप के अलावा कोई दूसरी बीमारियां बहुत कम होती थी, मगर बरसात में हमेशा अनेक बीमारी क्या आती है, जैसे मलेरिया बोलो, पोलियो, डेंगू डेंगू है, बोलो, है ना, मच्छर से होने वाली बीमारियां, डायरिया मलेरिया बोलो, जैसी कई कई बीमारियां, बीमारियां आती है। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत लोगों को है, और प्रिकॉशंस सोशल लेने की जी बहुत ज्यादा जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर लगाना, ये बहुत ही ज़रूरी बन चुका है। तो सबने भी यही करना चाहिए। हम बीसी न्यूज़ के माध्यम से पूरे लॉकडाउन के पीरियड में हमने लोगों से एक ही अपील की थी कि कोरोना से बचने के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी भी हम आपको बीसीएन के माध्यम से यही बताना चाहते हैं, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकलिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का फिजिकल पालन करते डिस्टेंसिंग का आपको हुए, पालन करना जी हाँ, मास्क पहनना है आपको, समय समय पे सैनिटाइजर यूज करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमेशा करते रहना है। है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अब देखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना, अब हमारे आने वाले जीवनी के लिए ये एक अपना अभिन्न अंग बन गए हैं। एक खबर चलते चलते हम दर्शकों को और बताना चाहेंगे कि पूरे भारतवर्ष में एक वैक्सीन जो है उसका टेस्टिंग ह्यूमंस के ऊपर में करने के लिए 12 संस्थाएं का चयन किया गया था। उसमें नागपुर की भी एक संस्था जो है गिलोरका हॉस्पिटल, यहाँ पर जो है कोरोना वैक्सीन जो है उसका टेस्टिंग ह्यूमंस बॉडीज के ऊपर में शुरू किया गया है। तो ये एक आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ अच्छी खबर जी हाँ, बिल्कुल लोगों को मिले। अगर वैक्सीनेशन का पूरी तरह से अगर ये टेस्ट सफल होता है तो आने वाले भविष्य में हमें कोरोना से बिल्कुल लड़ने के डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। तब तक हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि आप अपने घर में रहें, स्वस्थ अपने परिवार का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आपको अपने आप को एक डिसिप्लिन वे में रखने की बहुत 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 आवश्यकता है। हम आपसे अनुरोध करेंगे ऐसी खबरों के लिए, प्राइम टाइम के लिए और खबरों के सिलसिले के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए इन बीसी न्यूज़ पर। नमस्कार। नमस्कार।